फिर से और एक संडे में हम जूम के माध्यम से ये वर्शिप में शामिल है द अमसा डाइसियन फैमिली ऑनलाइन वर्शिप। और इसमें जितने भी भाई बहन बुजुर्ग बच्चे यूथ शामिल हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं और मैं बाइबल में से कुछ पढ़ने जा रहा हूं। फर्स्ट पीटर्स चैप्टर 1:3। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने द्वारा आज्ञा मानते और यीशु मसीह के लोहों के छिड़के जाने के लिए चुने हुए हैं, तुम्हें अत्यंत अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आई विल रिपीट द लास्ट लाइन, तुम्हें अत्यंत अनुग्रह और शांति मिलती रहे। ये सबके लिए मेरी प्रार्थना है, सबको प्रभु की यीशु मसीह की अनुग्रह और शांति मिलती रहे। टुडे इज अ स्पेशल वर्शिप टू बी कंडक्टेड बाय टू रीजनल कॉन्फ्रेंसेस एरियाज इन हिमाचल प्रदेश, श्रीखंड और धुराधार। और एक आज की विशेषता है कि आज के जो प्रीचर हैं डॉक्टर कॉनविल, डॉक्टर रेवरेंड डॉक्टर रॉबर्ट कॉनविल, जो कि वर्ल्ड फेमस प्रचारक हैं, बिली ग्राहम के साथ प्रचार किया और अभी भी प्रचार करते हैं। और ये हमारे डायसिस का स्पेशल प्रिविलेज है कि व्हेनेवर वी आस्क दैट ही नेवर सेज नो, एंड ही इज माय प्रिविलेज दैट ही कॉल्स मी फ्रेंड, एंड सो इट इज अ वेरी स्पेशल सर्विस। सो वी विल बिगिन दिस सर्विस एंड आई हैंड ओवर द सर्विस टू रेवरेंड सुमन लाल, चर्च ऑफ क्राइस्ट चर्च शिमला। रेवरेंड सुमन लाल, गुड आफ्टरनून, जय मसीह की। जय मसीह की, गुड आफ्टरनून सर। ऑन बिहाफ ऑफ कॉन्ग्रीगेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश, श्रीखंड एंड पीर पंजाल एरिया, आई वेलकम ऑल इनटू द वर्शिप टुडे। आई थिंक श्रीखंड एंड धौलाधार, श्रीखंड एंड धौलाधार, श्रीखंड और धौलाधार की कलीसियाओं की ओर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज की आराधना में। हम आराधना के शुरू में प्री वर्शिप सॉन्ग जो है हमारे सेंट एंड्रू चर्च डलहौजी के कॉन्ग्रीगेशन एक गीत प्रस्तुत करेगी। परमेश्वर की हम्द के लिए नई मसीह गीत की किताब गीत नंबर 111 मिलके गाएंगे। Yeah.
आइए हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, हृदय से धन्यवाद, तारीफ और बड़ाई करते हुए एक बार फिर आज के इस पवित्र दिन के लिए कि हम मिलकर आपकी आराधना, स्तुति और धन्यवाद कर सकते हैं। जबकि कोरोना वायरस COVID-19 की वजह से प्रभु हम शारीरिक रूप से पवित्र भवनों में आपकी आराधना, स्तुति और धन्यवाद एक साथ मिलकर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन धन्यवाद देते हैं प्रभु इस जूम माध्यम के लिए जिसके द्वारा हम अलग अलग दूर दूर रहकर भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और मिलकर आपकी आराधना, स्तुति और धन्यवाद कर सकते हैं। आज के आराधना में प्रभु हम आपका स्वागत करते हैं, आप हमारे बीच में आए और आज की आराधना को हमारे अगुवाई करें। खासकर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के आराधना के लिए, जबकि पूरे हिमाचल की कलीसियाएं मिलकर प्रभु आज की आराधना में हिस्सा ले रही हैं। एक एक कलीसिया को आप आशीषित करें और जितने लोग हमारे डायसिस से, डायसिस के बाहर से और हमारे इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट जो आज हमारे साथ जुड़े हैं उनको आपके स्मृति और सुरक्षिता तुम देते हैं प्रभु ने आशीषित करें, ताकि आज की आराधना हम सबों के लिए आशीष और बरकत का कारण ठहरे। हम अपने आदरणीय बिशप साहब के लिए, तमाम पासवानों के लिए और तमाम क्लीसियों को भी आपके सुरक्षित और सामर्थ्य हाथों में देते हैं। खासकर आज के स्पीकर को प्रभु आप अभिषेक करें, ताकि जब वो आपके वचनों को हमारे साथ बांटते हैं उसके द्वारा प्रभु आप हमसे बातचीत करें। इस आराधना को आपके सुरक्षित और सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब एक और गीत हम प्रभु की महिमा स्तुति में हमारे लिए पेश किया जाएगा। क्रिस्ता मुक्ति चर्च आनी की कॉन्ग्रीगेशन हमें ये गीत में हमारी अगुवाई करेगी। आप सबों को जय मसीह की। हम सब आपके सामने प्रभु की स्तुति के लिए गीत गाना चाहते हैं। आवाज उठाएंगे, आवाज उठाएंगे।
धन्यवाद इस मधुर गीत के लिए। आइए हम अपने पापों का अंगीकार करें, लेट अस कन्फेस अवर सिंस, और हमारे पाप अंगीकार में हमारी अगुवाई करेंगे मिस्टर विलियम गिल, जो डलहौजी कॉन्ग्रीगेशन के हैं। अब हम सब पश्चाताप तथा पाप सभी कर्म में शामिल होंगे। हे अत्यंत दयालु परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने संपूर्ण हृदय से आपसे प्रेम नहीं किया। हमने अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं किया। हे दयावान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप अतीत में किए हमारे पापों को क्षमा करें और वर्तमान में हमारे आचरण में सुधार करें। भविष्य में जैसे हमें होना चाहिए वैसे हमें बनाएं, ताकि हम आपकी इच्छा को मानें और आपके मार्ग आनंद से चलें। हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा आमीन। एब्सोल्यूशन विश्वास, ये हम सब जानते हैं कि दुनिया के पाप का बोझ बहुत भारी हो गया है। The whole creation is groaning because of the sin of the human beings. पर हमने ये एक्सपीरियंस किया है, ये फील किया है कि हमने परमेश्वर के रास्ते से हट गए हैं, पर इसलिए हम अपने पापों का अंगीकार किया है। ये निश्चय के साथ कि जब हम सच्चे दिल से खुदा के सामने आते हैं तो खुदा हमें माफ कर देता है, फिर से एक नई जिंदगी बिताने के लिए मौका देता है। आइए हम प्रार्थना करें कि हमारे सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, तू हमारे लिए सब कुछ है। तो चाहता है कि हम इस दुनिया में जीवन से आनंद उठा पाए, पर हमारे पाप का बोझ इतना भारी हो गया है जो कि हम कर नहीं पाते हैं, इसलिए हमने अपने पापों को तेरे चरणों में रखे हैं और हम इस विश्वास के साथ आए हैं कि तू हमें माफ करेगा। पिता परमेश्वर, तू प्रेमी पिता परमेश्वर है जो कि अपने बच्चों से बहुत प्यार रखता है, और इसलिए उस भरोसा के साथ कि तू हमें निराश नहीं करेगा, हम तेरे से प्रार्थना करते हैं, मैं माफ कर, सिर्फ तेरे विरुद्ध नहीं पर अपने भाई बहनों के विरुद्ध, अपने लोगों के विरुद्ध, इस दुनिया के लोगों के विरुद्ध, प्रकृति के विरुद्ध। ऐसे होने दे कि हम बार बार उसी पाप से वापस ना जाएं, पर एक नई जिंदगी जी सकें। हमारे पापों को तूने क्षमा किया है, इसलिए तेरी महानता को हम स्वीकार करते हुए तुझे धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। भाई साहब अनम्यूट कीजिए। लेट अस वर्शिप द लॉर्ड बाय सिंगिंग हिज प्रेजेस। आइए हम प्रभु की आराधना गीतों और भजनों के द्वारा करेंगे, और मनाली मसीह मंडली की कलीसिया हमारी प्रभु की महिमा स्तुति में हमारी अगुवाई करेगी। Thank you.
धन्यवाद इस सुंदर गीत के लिए मसीह मंडली मनाली। अब सेंट मैरी चर्च कोटगढ़ के बच्चे एक स्किट पेश करेंगे। सेंट मैरी चर्च कोटगढ़ निराशा, हर तरफ निराशा, आशा की कोई किरण ही नहीं है। मैं क्या करूं, मेरा भविष्य अंधेरे में है। अब मेरा आगे क्या होगा, मैं कहां जाऊं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। असफलता असफलता असफलता, जाने कब मिलेगी मुझे ये सफलता। घबराहट, इतनी घबराहट, घबराहट, क्या करूं मैं, इतनी घबराहट। इतनी चिंता है मेरी जिंदगी में। लॉकडाउन लगा है, नौकरी तक छूट गई मेरी, पैसे तक नहीं है जेब में, मेरे बच्चे हैं, उनको क्या खिलाऊंगा मैं, क्या होगा मेरी जिंदगी का, मैं कहां जाऊंगा, नौकरी कहां लगाऊंगा, पैसे कहां से मिलेंगे, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है।
प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। धन्यवाद इस सुंदर स्किट के लिए, जिसके द्वारा आज की परिस्थिति को हमारे सामने रखा है। जो लोग परेशान और चिंता और दुखी घड़ी में हैं और जो प्रभु की ओर निहार रहे हैं कि प्रभु अपना प्रकाश प्रतीक पर चमकाए और हमारे जीवनों में फिर से सुख समृद्धि आ सके। आइए हम परमेश्वर की वचन की ओर जाएंगे और आज के लिए परमेश्वर का वचन यरमाया 29:10-14 दिया गया है और उसे मिस सिमरन राणा जो बकलो चर्च की है वो हमारे लिए आज के इस बाइबल रीडिंग को पढ़ेगी। सबको जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे यरमिया उसका 29 अध्याय उसके 10-14 तक, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, यहोवा यो कहता है, बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूँगा और अपना यह मन भावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लुटा ले आऊँगा पूरा करूँगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही हैं और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। तब उस समय तुम मुझे पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें मिलूंगा। यहोवा की यह वाणी है, और बंधुआई से लौटा ले आऊंगा और तुमको उन सब जातियों और स्थानों में से जिनमें मैंने तुमको जबरन निकाल दिया है और तुम्हें इकट्ठा करके इस स्थान में लौटा ले आऊँगा जहाँ से मैंने तुम्हें बंदी करवा के निकाल दिया था। यहोवा की यह वाणी है। यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। इसे पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर सबको आशीष दे। आमीन। आमीन। आइए हम प्रार्थना में एक बार फिर जाएंगे, खासकर हम आज के हमारे जो वक्ता है डॉक्टर रॉबर्ट कर्नवेल, उनके लिए और परमेश्वर के वचनों के लिए प्रार्थना में जाएंगे, और मिसेस बीना अस्कर जो पालमपुर कलीसिया की मेंबर है वो हमारी प्रार्थना में अगुवाई करेगी। हालेलुया, हालेलुया, स्तुतियों में विराजमान हमारे पिता, हम आपको धन्यवाद स्तुति जय जयकार करते समय संगति के लिए प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपने हमें ये सुंदर समय दिया कि हम आपके चरणों में बैठे प्रभु जी, आपके वचन को सुन सके प्रभु जी, आपके दास को यीशु के लहू से धामती प्रभु पवित्र आत्मा की प्रभु जी अगुवाई में प्रभु परमेश्वर आप हम मदद करें, अपने दास के होंठों को पवित्र करें प्रभु जी। आज का वचन सारी कलीसिया के लिए, सारे लोगों के लिए जो
सुनते हैं प्रभु जी, आशीष का कारण हो प्रभु जी, वो वचन आपकी तरफ से हो, अपने से नहीं लेकिन आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु जी ये वचन हो प्रभु जी। पिता परमेश्वर इसके द्वारा प्रभु आप हम सबको आशीष दे प्रभु जी। फिर से आपके दास को आपके हाथ में सौंपते हैं और पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब समय है कि हम प्रभु के वचन को सुनने के लिए तैयार हों। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे आदरणीय बिशप साहब से कि वो आज के हमारे प्रवक्ता के इंट्रोडक्शन दे। It's a privilege that we have with us, Reverend Dr. Robert Conwell. वैसे एक व्यक्ति हैं कि उनका मैं क्या इंट्रोडक्शन दूं, क्योंकि आप सब उनको जानते हैं। इस सर्विस के शुरू में मैंने कहा, इन द बिगिनिंग ऑफ द सर्विस आई डिड मेंशन दैट ही इज अ वर्ल्ड फेमस टीचर। वी हैव मेनी ग्रेट टीचर्स इन द वर्ल्ड बट नॉट मेनी टीचर्स फिनिश्ड विद डॉक्टर बिली ग्राहम। और हम तो उनके स्कॉलरशिप के बारे में जानते हैं। And I know that Dr. Conwell Khasi Hills ke the first MTH the and India Bible Society ke second president rahe, International Bible Society ka the only Indian who has been the chair for two times. And so you can imagine that his leadership is appreciated by people not only of our country but world over. So teaching mein unka interest tha aur unhone Sirampur college mein adhyayan kiya aur 1977 mein, actually 72 mein jo Kohima crusade tha, aur Dr. Conwell uske organizer the, उसको कंडक्ट कर रहे थे। तो बिली ग्राहम इतना इंप्रेस्ड हुए तो फिर 1977 में उनको इनवाइट किया कि एज बीजीए एसोसिएट एवेंजेलिस्ट उनके साथ प्रचार करें। और मैं तो पर्सनली जानता हूं कि डॉक्टर कनवेल, डॉक्टर बिली ग्राहम जब अंतिम समय में पहुंच गए थे, just before his death, you know, he was almost in isolation aur wo kisi se nahi milte the. Even in those days it was only Dr. Robert Conwell who could be with him in his bedroom aur wo unke sath baith kar prarthna karna, unse sunna, keval unke liye ye sambhav tha. And I had the privilege of serving with him in the Billy Graham Evangelistic Association India. और he is such a simple person. हमारे डायसिस में बहुत बार आ चुके हैं, प्रचार भी किए हैं कन्वेंशन में। So we have not been able to gather thousands and maybe lakhs of people, Dr. Conwell, but these are the few faithful Christians जो कि आज चर्च नहीं जा पा रहे हैं, पर एवरी संडे दे गैदर टू लिसन टू गॉड्स वर्ड एंड टू वर्शिप टुगेदर। सो वी वेलकम यू वंस अगेन इन आवर मिडस्ट एंड एज आई सेड दैट टू बी अ फ्रेंड ऑफ यू इज अ प्रिविलेज एंड इज अ ब्लेसिंग एंड वी थैंक यू एंड ऑल्सो वी थैंक our sister Carol, who has probably spared you to devote this time to us and not to the family. So now we'll listen to your, whatever God has spoken to you, जो भी प्रभु आपके माध्यम से हमें बोलना चाहते हैं वो आपके जरिए हम सुनना चाहेंगे। Joy for me to be back with you to worship God together, and I thank Bishop for allowing me to do this. और मैं इतना खुश हूं और आनंदित हूं कि फिर से आपके साथ मिलकर इबादत में शामिल होने के लिए मौका दिया, और मैं बिशप सामंत राय का बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। And so before we go to the word of God, shall we pray?
और इससे पहले कि हम परमेश्वर का वचन सुने, आइए हम प्रार्थना करें। Oh God, Heavenly Father, speak to us through your word. स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि अपने वचन के द्वारा तू हमसे बात कर। And help us to draw nigh to you. और प्रभु, ताकि हम अपनी आंखें तेरी ओर लगा सकें। For we pray in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. Amen. My dear friends, we are living in a world where the news of today is worse than the news of yesterday. और मेरे प्रियो, हम एक ऐसे संसार में रह रहे हैं जिसकी खबरें इतनी बुरी हैं आज बीते हुए कल से भी ज्यादा। And the fear in many people continues to grow. और जो भय है लोगों की जिंदगी में वह लगातार बढ़ता जा रहा है। As this virus continues to spread all over the world. और जैसे ये आग पूरे संसार में फैल रही है। And people are asking me, is there any glimmer of hope? और लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या कहीं पर कुछ उम्मीद है? Is there any word of promise from the word of God? क्या परमेश्वर के वचन से कोई वायदा हमें नजर आ रहा है? And I'm glad to tell you, my dear friends, there is a promise from the word of God. और मेरे प्रियो, मैं बहुत ही खुश हूँ कि आपको ये बताने के लिए कि परमेश्वर के वचन में हमारे पास एक वायदा है। The book of Jeremiah, chapter 29, verse 11 and 12 says these words. और यर्मिया की किताब उसका 29 अध्याय और उसकी एक और दो आयत में इस प्रकार से लिखा है। For I know the thoughts that I think towards you, says the Lord. और परमेश्वर कहता है कि मैं जो योजना तेरे विषय में बनाता हूँ, मैं जानता हूँ। Thoughts of peace and not of evil. और ये भलाई की सोच है, बुराई की नहीं। To give you a future and a hope. ताकि मैं तुझे एक नया भविष्य और एक उम्मीद दे सकूं। Then you will call upon me and go and pray to me and I will listen to you, says God. और जब तू मुझे पुकारेगा और मैं तुझे उत्तर दूंगा, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। We all know that the prophet Jeremiah was called a weeping prophet. और हम सब जानते हैं कि जो यर्मिया नबी, वो विलाप करने वाला एक नबी कहलाया। Because he wept for his people because of the sins they've committed towards God. क्योंकि जो पाप उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध किए, उसके लिए यर्मिया रोता था। And God pronounced judgment upon them for the during this time. और परमेश्वर ने उनके विरुद्ध एक वाणी कही इस वक्त में। And he called upon the people of Israel to turn from their wicked ways. और उसने, परमेश्वर ने लोगों को बुलाया और कहा कि तुम अपने बुरे मार्ग से हट जाओ। From their dependence upon false gods. और जो बुरे, जो परमेश्वर हैं या भगवान, उनके जो उनसे तौबा करो। And return to Yahweh. और परमेश्वर के सामने आ जाओ। The God who brought them out of slavery from Egypt. जो परमेश्वर उन्हें मिस्र की गुलामी से बाहर निकाल के लेके आया। Now let me remind you what the Bible tells us. और मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूं जो बाइबल हमें कहती है। The people of Israel is not to say that they did not offer sacrifices to God in the temple. और जो परमेश्वर के जो लोग हैं वो ये नहीं कि मंदिर में जाकर बलिदान करते थे। It's not that they did not pray to God. और ये नहीं कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की। But their hearts and their actions were not in keeping with the will of God. परंतु जो उनके कार्य थे, जो उनकी बातें थी, वे परमेश्वर के वचन के साथ नहीं थी। They were doing it as a form of a habit, a program. They had to do it. They did it. और वो कुछ इस प्रकार से इसे कर रहे थे जैसे कोई कार्य करना होता है। While they prayed to their God, they were sinning. और जब वो परमेश्वर से प्रार्थना भी करते थे तब वो पाप भी साथ में करते थे। And Jeremiah cried out to God on God's behalf. This is what he said. और परमेश्वर का जो नबी यर्मिया परमेश्वर के सामने विलाप किया और परमेश्वर का वचन उसने इस प्रकार से कहा। Jeremiah chapter 7 verse 9. और यर्मिया की किताब उसका 7 अध्याय और उसका 9 वचन। Will you steal and murder? कि क्या तू मारेगा और चोरी करेगा? Commit adultery and perjury? और व्यभिचार करेगा? And burn incense to Baal?
और जो बाल के सामने तू भेंट चढ़ाएगा and follow other gods that you do not know और जिन परमेश्वर को तू जिन देवताओं को तू जानता भी नहीं उसी के पीछे चलेगा and then says god और उस वक्त परमेश्वर कहता है you come and stand before me in this house और परमेश्वर उनसे कहता है कि तू मेरे सामने आ और मेरे भवन में मेरे सन्मुख तू खड़ा हो which bears my name और जो मेरे सामने खड़े होकर मुझे दे and say we are safe और कहें कि हम सब सुरक्षित हैं safe to do all these detestable things और दूसरों को ये सब निराश करने वाली बातें जो बोलते हैं God saw their hearts और परमेश्वर हमारे दिलों को जांचता है and the Bible tells us that God punished the children of Israel और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने इज़राइल की संतान को क्षमा नहीं किया By sending the emperor Nebuchadnezzar of Babylon to destroy Jerusalem, destroy the temple, and to destroy all the houses. और बेबीलोन में हमने देखा कि यरूशलेम को गिरा दिया और पूरी शहर को नाश कर दिया और पूरा सब कुछ तबाह कर दिया. And he took them as slaves to Babylon. और उसने जो इज़राइलियों को बेबीलोन में गुलाम बनाकर लेके गया. Now who was this Nebuchadnezzar? और ये नबूकदनेज़र कौन था? The Bible tells us that he was a very, very, very cruel man. और परमेश्वर का वचन बताता है कि वो बहुत ही ज़्यादा एक बुरा इंसान था. So you can imagine when the children of Israel were in Babylon as slaves. और आप सोच सकते हैं कि जो इज़राइल की संतान जब बेबीलोन में एक गुलाम बनके रह रहे थे. They were facing a kind of a pandemic in their lives. और वो अपने जीवन में एक महामारी का सामना कर रहे थे. In the midst of that pandemic that they were facing in their life, they cried out to God. और उस महामारी में जो वो सहन कर रहे थे, बर्दाश्त कर रहे थे, उन्होंने परमेश्वर को पुकारा. And God told Jeremiah, write to them and tell them. और यरमाया ने उनसे कहा, परमेश्वर ने यरमाया को कहा और उसको कहा कि बता. Jeremiah 29 verse 11. और यरमाया की किताब उसका 39 उसकी 11 वचन में God told the people of Israel in the midst of their pandemic और परमेश्वर इज़राइलियों को उनकी महामारी के बीच में कुछ कह रहा है For I know the thoughts that I think towards you says the Lord और जो विचार मैं तुम्हारे विषय में करता हूं मैं जानता हूं thoughts of peace and not of evil और वो विचार शांति के हैं ना कि नाश करने के To give you a future and a hope ताकि मैं तुम्हें एक नया भविष्य और एक नई उम्मीद मैं तुम्हें दे सकूं These words were a great encouragement to the people of Israel in Babylon और मेरे प्रियो ये परमेश्वर का वचन एक बहुत ही उत्साह इज़राइलियों के लिए जब वो गुलामी में थे लेके आया As they were facing one problem to another problem to another problem और जब वो एक के बाद एक समस्या का जब वो सामना कर रहे थे Just like us, we are facing today. और जैसे आज हम इस मुसीबत का सामना कर रहे हैं And in the midst of all the pandemic that they were facing, और इन तमाम महामारियों के बीच में God told the people of Israel, परमेश्वर ने इज़राइलियों को कहा I want to give you a future and a hope. मैं तुम्हें एक नया भविष्य और उम्मीद देना चाहता हूं In the midst of all their trials, और इन तमाम जो परीक्षाओं के बीच में I will give you a future of hope. मैं तुम्हें एक भविष्य दूंगा और एक उम्मीद तुम्हें दूंगा Now, what is hope? और वो ये उम्मीद क्या है Hope is looking into the future that all will be well. और उम्मीद ये है कि हम भविष्य में कुछ देख रहे हैं कि सब कुछ सही हो जाएगा When you have hope, you never look back. और जब आपके पास उम्मीद है तब आप पीछे मुड़ के नहीं देखते You look forward. आप आगे बढ़ते जाते हैं Hoping that something will be better in the future. और आप इस उम्मीद से कि भविष्य में कुछ अच्छा होगा And I firmly believe मैं दृढ़ निश्चय इसके ऊपर करता हूं That he wants us to get through this crisis. कि वो चाहता है
कि हम इस जटिल परीक्षाओं में से निकल के जाएं. And when we get through this crisis, और जब हम इनमें से निकल जाएंगे, I pray that this experience will make us trust more in God. और जब हम इन परीक्षाओं में से निकलेंगे, मैं विश्वास करता हूं कि हम अपने परमेश्वर के ऊपर और भी ज्यादा विश्वास करेंगे. I thank God for all the frontline workers, for all the doctors, the nurses, and everybody who are helping us with this pandemic. Thank God for them. और इस महामारी में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं उन तमाम लोगों के लिए जो आगे बढ़कर इस कार्य में सेवा करते हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, सबके लिए मैं धन्यवाद देता हूं. This pandemic that we are facing is affecting us, our families, in many ways. और ये महामारी हमें और हमारे परिवार को बहुत ही बुरे तरीके से प्रभावित कर रही है. Just yesterday, a woman called me and cried out. और एक स्त्री ने कल मुझे फोन किया और वो रो रही थी. Said, Pastor, we do not know what to do. I lost my brother and my sister, one after the other. कि पासवान, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ. मैंने अपने भाई को, अपनी बहन को खो लिया और मैं एक एक करके अपने प्रियजनों को खो रही हूँ. We are going through this. और हम एक बड़े ही समस्याओं में से होके निकल के जा रहे हैं. I believe who believes in the Almighty God. और हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं. That God is going to bring us into a new relationship with Him. और परमेश्वर हमें इन सब के द्वारा एक नए रिश्ते में लेके जा रहा है. So in this verse, God is saying to us. और इस आयत में परमेश्वर का वचन हमसे कुछ कह रहा है. When you face a pandemic, my dear son, my dear daughter, और मेरे बेटे, मेरी बेटी, जब तू महामारियों का सामना करे, you should run to me. कि तू मेरी ओर दौड़ते हुए आ. I am the only one who can give you peace and give you joy in your life. और मैं ही हूँ जो तुझे परमेश्वर, मैं तुझे शांति दे सकता हूँ और आनंद तुझे दे सकता. I am the only one who can heal the wound in your heart. और परमेश्वर कहता है कि मैं ही हूं जो तेरे जख्मों को चंगा कर सकता हूं. It's amazing what God says in this verse in Jeremiah. और ये अद्भुत है जो परमेश्वर यर्मिया की किताब में हमसे कह रहा है. God is saying in this verse. और परमेश्वर इस वचन को हमसे कह रहा है. Call upon me. कि मुझे पुकार. Pray to me. मुझसे प्रार्थना कर. Seek me. मुझे ढूंढ. Find me, says. मुझे ढूंढ. And search me with all your heart. और अपने पूरे मन से तू मेरी खोज कर. But my friends, I firmly believe. परंतु मेरे प्रियो, मैं दृढ़ निश्चय से ये विश्वास करता हूँ. That during these times of trouble and pandemic. और इन समस्याओं के बीच में और इस महामारी के बीच में. When we read His word. जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, God wants us to find Him. कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसे ढूंढे. To really know Him as our God. कि हम सचमुच उसे अपना परमेश्वर करके जाने. You know, many of us do not realize we have a virus in our hearts. और हम में से बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को नहीं जानते कि हमारे दिल में भी एक वायरस है. Separation from God because of our sins. क्योंकि जो परमेश्वर से जब जो जुदाई है वो पाप. You know, God does not only want repentance. और आप जानते हैं कि परमेश्वर सिर्फ तौबा ही नहीं चाहता. Yes, repentance is there. God wants repentance, but that's not the only thing He wants from us as Christians. हाँ, सच है कि तौबा करना चाहिए और हमें तौबा करना ही चाहिए, परंतु मसीहों से परमेश्वर सिर्फ तौबा ही नहीं चाहता. What he really wants from us, as this verse speaks to us, और वो सचमुच जो हमसे चाहता है, जैसे ये वचन हमसे बयान करता है, God is saying, I want something, I want a deeper relationship with you, my son and my daughter. कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुझसे एक गहरा रिश्ता बनाना चाहता हूँ. He wants you to know him fully. और वो चाहता है कि हम पूरे संपूर्ण रूप से उसे जाने. That's why God came down to earth as Jesus Christ, his son. और इसीलिए परमेश्वर यीशु बनकर इस संसार में आया. And my dear Christian friends,
और मेरे मसीह मित्रों, we can only experience God through Jesus Christ. हम परमेश्वर को सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही तजर्बा कर सकते हैं. I believe that God is going to use this pandemic to draw us closer to Him. और मैं विश्वास करता हूं कि ये महामारी हमें इस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे कि हम परमेश्वर के साथ और गहरे रिश्ते में जुड़ते जाएं. God is waiting for you. परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है. He is waiting to hear your voice. वो आपकी आवाज सुनने का इंतजार कर रहा है. To call out his name. कि आप उसके नाम को पुकारें. He is waiting to hear your voice when you cry out to him. वो आपकी आवाज सुनना चाहता है जब आप चिल्लाकर उसे पुकारेंगे. God is always there. परमेश्वर हमेशा हमारी जिंदगी में रहता है. Willing to help. हमारी मदद करने के लिए. And also able to help you. ताकि आपको इस योग्य बना सके कि आप मदद कर सके. So right now as you're listening to us. और जैसे आज आप हमसे इस वक्त आप सुन रहे हैं. If there's a need in your life. कि आपकी जिंदगी में कुछ जरूरत है. A need in your family. आपके परिवार में जरूरत है. I don't want to elaborate that because you know yourself. मैं और ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता हूं. आप अपने विषय में जानते हैं. You know your needs, my friends. मेरे मित्रों, आप अपनी जरूरतों को जानते हैं. Can you cry out to him in your heart? क्या आप अपने दिल से चिल्लाकर उसे पुकार सकते हैं? So, in spite of all that's going on, और जो कुछ भी हमारे इर्द-गिर्द हो रहा है, God reminds us today through His Word. और परमेश्वर आज हमें फिर से इन वचनों के द्वारा याद दिला रहा है. That He has a plan. कि उसके पास योजना है. That He has a thoughts for you and for your future. वो आपके प्रति और आपके भविष्य के लिए उसके पास एक योजना है. This is our God. और ये हमारा परमेश्वर है. So if at this time you feel led of the Spirit, Holy Spirit, to renew your relationship with God. और अभी अगर आप महसूस करते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में कि आप अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ सुधारें. I want to help you by leading you in a very simple prayer. और मैं आपकी मदद करना चाहता हूं कि आप मेरे साथ ये साधारण सी प्रार्थना करें. I will pray one line, then you follow me quietly in your heart. और मैं एक सेंटेंस बोलूंगा और आप अपने हृदय में शांति के साथ उसको दोहराएं. Follow Pastor Vijay. और जो हिंदी में विजय बोलेगा, पास्टर विजय, उसको आप दोहराएं. Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें. Oh God, forgive me for not spending enough time with you. प्रभु मुझे माफ कर कि मैं तेरे साथ वक्त नहीं बिता पाया. Thank you for your promise that you're waiting for me to talk to you. प्रभु तेरे इन वायदों के लिए मैं तेरा धन्यवाद देता हूं कि तू मेरा इंतजार कर रहा है. You know my sins, Lord. प्रभु तू मेरे पाप के बारे में जानता है. Cleanse me with the blood of Jesus. यीशु मसीह के लहू के द्वारा तू मुझे धो दे. Help me from now on to live for you. मेरी मदद कर कि मैं आज के बाद तेरे लिए जी सकूं. And to trust you. और तुझ पर भरोसा रखूं. For I pray in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से मैं इस दुआ को मांगता हूं. Amen. 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 Friends, if you've prayed that prayer just now. मेरे दोस्तों, अगर आपने ये प्रार्थना भी की है. I promise you, you'll never be alone anymore. मैं आपसे वायदा करता हूं कि आप जिंदगी में कभी भी अकेले नहीं रहेंगे. God will be with you and your family. परमेश्वर आपके और आपके परिवार के साथ रहेंगे. Because he loves you. क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं. He sent his son to die on the cross for you and for me. क्योंकि उसने अपने इकलौते पुत्र को आपके और मेरे लिए संसार में कुर्बान होने के लिए he will be with you. और वो हमेशा आपके साथ रहेगा.
Because he has a plan for you and your family. क्योंकि उसके पास आपके और आपके परिवार के लिए बहुत अच्छी योजना है. God bless you all. आप परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे. Thank you. Thank you, Reverend Dr. Dunville. You are there, and in 1 or 2 minutes, I would like you to bring greetings. Now we will affirm our faith in the words of the Apostles' Creed. जो विश्वास वचन है हम उसको दोहराएंगे. मिस्टर अभय सिंह कांगड़ा हमें लीड करेंगे. प्रेरितों का विश्वास वचन बोलेंगे. मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ. मैं इसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ. वो पवित्र आत्मा की समर्थ से गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे. उन्होंने पेंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा. वे क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे. तीसरे दिन वो जी उठे, वो स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए. वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे. मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलोकी कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ. आमीन. आमीन. अभी कुछ सूचनाएं आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ. वंस अगेन वेलकम, और आप सबका मैं फिर से स्वागत करता हूँ. शुरू में क्या था पर सब तब नहीं थे, और जैसे कि आज श्रीखंड एंड धुराधर जो कि हिमाचल के दो रीजनल कॉन्फ्रेंस के एरिया के भक्तजनों ने हमें लीड किया, और नेक्स्ट संडे हमें एमएसएस जो पंजाब रीजनल कॉन्फ्रेंस है पंजाब एरिया के हमारे क्लर्जी एंड लेडी हमें लीड करेंगे. इट विल बी एक्साइटिंग. तो आपको फिर नेक्स्ट वीक मिलेंगे. 3rd July, याद रखिए 3rd July इज डिक्लेयर्ड एज इंडियन क्रिश्चियन डे, और इसको हिंदी में कहा जाता है यीशु भक्ति दिवस. और इस दिन सारे भारतीय चाहे किसी भी देश में है मिलकर प्रार्थना करेंगे, और ये इंटरनेशनली मनाया जा रहा है. देयर विल बी ऑल नेशनल एंड इंटरनेशनल लीडर्स. और खुशी की बात है कि हमारे डायसिस को इसमें हिस्सा लेने के लिए कहा गया है, एक पंजाबी गाना देने के लिए. एंड होपफुली देयर बी ऑल्सो ए भांगड़ा फ्रॉम पंजाब. तो 3rd July के लिए प्रार्थना कीजिए. लव इन एक्शन हेल्पलाइन, ये आपको पता है, और खुशी की बात है कि लोग इस हेल्पलाइन में हमें फोन करते हैं, और उसके द्वारा हम मेडिकल या नॉन मेडिकल एडवाइस लोगों को दे पाते हैं. जिनको रेशन चाहिए रेशन दे पाते हैं, और इवन सम पीपल वो चाहते हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना करें. तो ये 24/7 ये लाइन सबके लिए अवेलेबल है, और हमारे पास मेडिकल किट्स भी है. तो इफ यू नो समबडी कि जिनको मदद चाहिए, प्लीज आप खुद कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो जरूर हमें बताइए. और इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट, क्योंकि ये आपके कंट्रीब्यूशन के वजह से ये काम हो पाता है. वॉलंटियर्स तो समय देते हैं, पर उसके लिए जो बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं वो आपको हम देना चाहते हैं. कम्युनिकेशन वुड यू गिव दैट. तो इफ यू इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और या आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. जो भी आप कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं आप जरूर अमृतसर को भेज सकते हैं. मैं आपको एश्योर करता हूं कि एवरी पेनी इज यूज रेस्पॉन्सिबली एंड विद एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी. 19th June, इस महीने में नेक्स्ट वीक 19th June को एशिया प्रेयर एंड अवेयर
के रूप में हम उसको सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, क्योंकि जो चर्च ऑफ इंग्लैंड द एंग्लिकन चर्च के कैलेंडर में साधु सुंदर सिंह को एक सेंट माना जाता है। आई थिंक दैट इज द ओनली चर्च दैट इज रिकॉग्नाइज ऑफिशियली साधु सुंदर सिंह एज ए सेंट, और इसलिए उस दिन सारे विश्व के लोग मिलकर साधु सुंदर सिंह को स्मरण करेंगे। सो 19th जून को ये लिंक आपको दिया जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। खुशी की बात है कि आज रूफटॉप सर्विस हम कर पाए। सॉरी जो कि जूम के लिए वेट कर रहे थे, कुछ टेलीफोन कॉल्स भी आए कि अभी क्या अभी तक शुरू नहीं किया, क्योंकि आप जानते हैं रात से बारिश शुरू हुई, तो समय पर ये शुरू नहीं कर पाए, बिकॉज आवर टाइम इज नॉट गॉड्स टाइम, खुदा का जो समय था वो खुदा ने हमें दिया। और यकीन मानिए बारिश में लोग रूप के ऊपर आए, पीपल केम टू द रूफ गॉट वेट, और वहां बारिश में खड़े होकर सब मिलकर प्रभु की प्रशंसा किए। आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहते हैं, इफ यू हैव मिस्ड द पूरे जो वीडियो है वो तो हम यूट्यूब में डालेंगे, आप देखेंगे, पर एक झलक आपको दिखाना चाहते हैं। आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की तारीफ हो खुदावन, इस समय के लिए ये तब की है। आमीन। उपासना करने की दुआ करने का मौका हमें आना चाहिए, और आप जब भी चाहेंगे दोबारा कि हम आए और आपके साथ हम उपासना करें, जरूर मैं आऊंगा और इसमें आपको इसमें शामिल होऊंगा। थैंक यू फॉर दैट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, जिन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत किया है, मैं आप उनका सबका धन्यवाद देना चाहता हूं, और खासकर रेवरेंड विजय कुमार जो कि ट्रांसलेट किया, श्रीकंड एंड थोड़ादार एक्सेलेंट, थैंक यू सो मच रेवरेंड सोहनलाल वाइस प्रेसिडेंट लीड करने के लिए, आनी का ग्रुप, मनाली कोटगढ़ के ग्रुप, it's wonderful and the skit was outstanding. It is not only ki skit mein apne kaise kaise prastut kiya, but even the kind of quality you have maintained, it is outstanding.
और मैं देख रहा हूँ देयर इज अ ट्रेमेंडस इंप्रूवमेंट. कम ऑन, तरक्की करते जाओ और भी अच्छा करो. एंड आई एम सो एक्साइटेड दैट नेक्स्ट मंथ प्रोबब्ली विल हैव द चिल्ड्रंस. दिस मंथ लास्ट संडे वी हैव द वुमेन्स संडे एंड नेक्स्ट मंथ चिल्ड्रंस संडे और नेक्स्ट वीक ऑफ कोर्स इट विल बी पंजाब संडे. So thank you so much, and main chahunga if Dr. Conwell is still there, main chahunga ki wo hame do shabd bole greet kare. Dr. Conwell, are you still there? Reverend Vijay Kumar, can you spot him? नहीं है सर. हम उनका धन्यवाद करते हैं एंड आई एम श्योर दैट हम जब उनसे कहेंगे फिर से पिच करेंगे. और जो फर्स्ट टाइम हमारे साथ वर्शिप कर रहे हैं मैं उनका धन्यवाद करूं, और जो रेगुलरली पर डायसिस के परिसीमा के बाहर से हमारे साथ वर्शिप कर रहे हैं हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं. एंड प्लीज लेट अस नो इफ देयर आर मैटर्स यू वांट अस टू कीप इन आवर प्रेयर्स. जरूर आपके लिए हम उस विशेष विषय के लिए दुआ करते रहेंगे. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू. एंड नाउ वी विल लिसन टू अ टेस्टिमोनी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है कि हम प्रभु का वचन सुनते हैं. प्रभु के दास दासी हमें प्रोत्साहित करते हैं, पर उनका इम्पैक्ट हमारे लाइफ में क्या होता है, दैट वी कैन नो ओनली थ्रू टेस्टिमोनीज. और आप सब जानते हैं मिस्टर सैमुअल सैनी को, जो कि पादरी विनय सैनी के फादर हैं, और जब से मैं डायसिस में आया तब से उनके साथ जुड़े हुए हैं. आई is just like family, और हर एक बात में वो मेरे से बातचीत करते हैं. तो उनकी एक टेस्टिमोनी, छोटी सी टेस्टिमोनी आपके सामने हम प्रस्तुत करना चाहते हैं. आप सबको जय मसीह की. मेरा नाम सैमुअल सनी है और मैं डलहौजी का रहने वाला हूँ. अचानक 24 अप्रैल को हम दोनों मियाँ बीवी पॉजिटिव पाए गए और हम दोनों को डलहौजी सिविल हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा. प्रभु की दया से मैं तो ठीक रहा, लेकिन मेरी मिसिज का ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चंबा में रेफ़र कर दिया गया. हमारे आदरणीय बिशप साहब, जिनको हमारी पल पल की खबर थी, और जैसे ही उन्हें पता चला कि मेरी मिसेज की हालत नाजुक होती जा रही है, बिशप साहब ने तुरंत मेरे बेटे को उनका सीटी स्कैन कराने के लिए कहा, और ताकि उनके लंग्स का हर चीज़ का पता चल सके. लेकिन वहाँ कोई ऐसी व्यवस्था ना होने के कारण ये संभव ना हो सका. तो तुरंत बिशप साहब ने मेरी मिसेज को सीएमसी लुधियाना में शिफ्ट करने के लिए कहा, और वहाँ पर उन्होंने सारा इंतज़ाम करवा दिया. लेकिन परमेश्वर को ये मंजूर नहीं था, और अचानक 8 मई को शाम को 4 बजे परमेश्वर ने उनको अपने पास बुला लिया. ये परमेश्वर की मर्जी थी और उसकी इच्छा थी. मैं मिसेस शोभा मैथ्यू, मिस्टर मुकेश मैथ्यू का बहुत तहे दिल से आभारी हूँ, जिन्होंने पूरा बेटा और बेटी होने का फर्ज निभाया, और मैं उनके परिवार के लिए भी परमेश्वर से आशीष चाहता हूँ. ख़ास तौर पे मैं चंबा से डेविड दीवानचंद फैमिली का भी आभारी हूँ. स्पेशली पॉजिटिव होने के कारण हर कोई हमारा साथ देने से डरता था. उस वक्त हमारे बिशप साहब ने, जो बहुत गमगीन थे, कहा कि अगर मेरा आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ होता तो मैं तुरंत चंबा पहुंचता.
लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसी व्यवस्था की कि डलहौजी और चंबा, डलहौजी और बकलो के पादरी साहबान को हुक्म दिया, डलहौजी में जो पादरी साहब परवेज अजबैठ और एवेंजलिस्ट मिस्टर आजन मसीह, मिस्टर रिचर्ड भियारा और बकलो के पास्टर रसीन मैरिक को हुक्म दिया कि तुरंत आप चंबा में मेरे बेटे के पास पहुंचो। और वो तुरंत वहां पहुंचे और उन्होंने हर तरह का हमारा साथ दिया, जिसके लिए मैं उनका तहे दिल से आभारी हूं। स्पेशली चंबा के पादरी साहब और चंबा की पूरी कलीसिया ने भी हमारा पूरा साथ दिया। मैं एक बार फिर से पूरी डायसेस का और अपने बिशप साहब का और उनके पूरे परिवार का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और रहूंगा। धन्यवाद। थैंक यू सर सनी। उन्होंने इस जो ट्रेजेडी उसको ऐसे स्वीकार किया है, उसके साथ समझौता कर लिया है, इस इनक्रेडिबल ओनली बिकॉज ऑफ हिज फेथ इन जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह में विश्वास, अनंत जीवन की आशा में विश्वास, एंड आई थिंक दैट इज समथिंग दैट गाइड्स अस एंड कीप्स अस मूविंग, कि हम निराश होते हुए भी और कभी कभी टूट भी जाते हैं, फिर भी हम चलते रहते हैं। और मैं आप सबसे कहूंगा, सिचुएशन कुछ भी ना हो, कभी नहीं रुकना, चलते रहना। एक हम विशेष गाना सुनेंगे मिस्टर रिचर्ड बेरा, जो कि अर्थ सेंटर एलआरसी को चलाते हैं, वो एक स्पेशल गाना प्रस्तुत कर रहे हैं। आत्मा से बोलो यीशु की ही जय, हाथ उठा के सब बोलो यीशु की ही जय। आत्मा से बोलो यीशु की ही जय, हाथ उठा के सब बोलो।
छोड़ेगा उसे यीशु की लीजे, वो ना कभी त्यागेगा उसे यीशु की लीजे, पाप से हमें बचाएगा उसे यीशु की लीजे, शांति हमें दिलाएगा यीशु की ही जय, 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 beautiful song. Now Reverend Swamilal. धन्यवाद भाई रिचर्ड इस सुंदर गीत के लिए. अब समय है कि आइए हम अपनी प्रार्थना और विनतियों को परमेश्वर के सामने रखें. We will join in intercession prayer. और इसमें हमारी अगुवाई करेंगे सवाटू और धर्मशाला के हमारे सदस्य, वो हमारी इंटरसेशन प्रेयर में अगुवाई करेंगे. सब एक मन होकर अपने स्वर्गीय और जीवते परमेश्वर के सामने अपने सिरों को झुकाकर धन्यवाद एवं प्रार्थना के लिए उनकी हजूरी में आए. मैं प्रार्थना करता हूँ डायसिस ऑफ अमृतसर के लिए, यहाँ पर कार्यरत हर एक अधिकारी एवं कर्मचारी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए. साथ ही प्रार्थना करता हूँ पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के उन तमाम निवासी जनों के लिए जो डायसिस ऑफ अमृतसर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में रहते हैं. पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह, आपकी करुणा, आपकी शांति हर एक विश्वासी जन के साथ हमेशा बनी रहे. पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ आपके सेवक हमारे आदरणीय बिशप श्री पी के समंता राव जी और उनके परिवार के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य और सुखी जीवन के लिए, ताकि वे इसी प्रकार से आपकी सेवा में लगे रहें पिता परमेश्वर, और हम सब उनकी अगुवाई में, उनके मार्गदर्शन में, आपके प्रेम और विश्वास में आगे बढ़ते जाएं प्रभु. पिता परमेश्वर, डायसिस ऑफ अमृतसर के क्षेत्र में जितने भी पासवान, प्रचारक, इवेंजलिस्ट जो पूरी तन्मयता से आपकी सेवा कार्य में लगे हुए हैं, पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना है कि आप अपने हर एक सेवक को संभालिए, इस महामारी से बचाइए और उन्हें स्वस्थ रखिए प्रभु. ये हमारी प्रार्थना है. पिता परमेश्वर, डायसिस ऑफ अमृतसर के अंतर्गत आने वाले हर एक शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सक संस्थान और अन्य संस्थानों में कार्य करने वाले और उनके साथ जुड़े हुए हर एक जन के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करते हैं कि हर एक को इस महामारी से बचा कर रखें. पिता परमेश्वर, विभिन्न कलीसियाओं के बहुत से लोग और पासवान इस महामारी के चपेट में आए, लेकिन धन्यवाद करते हैं प्रभु पिता कि आपने हर एक को संभाला और चंगाई दी. और कुछ पिता परमेश्वर अभी भी बीमार की हालत में हैं पिता परमेश्वर, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं. पिता आपका धन्यवाद करते हैं आने वाले समय के लिए. पिता परमेश्वर, आप हर एक को संभालिए, चंगाई दीजिए. आपका अनुग्रह, आपकी शांति हर एक के साथ हमेशा बनी रहे. विनती प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन. सर्वशक्तिमान प्यारे प्रभु, जमीन और आसमान बनाने वाला परमेश्वर, इस समय हम आपसे पुकारते हैं प्रभु जी, हमारे प्रार्थना को सुनिए प्रभु जी. और प्यारे प्रभु, इस समय पर हम खास रूप प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु, जो COVID-19 से प्रभु जो इफेक्ट हो रखा है, हॉस्पिटल्स में है और प्रभु जी बहुत सारे जगह में जो प्रभु अपना अपना घर में क्वारंटाइन कर रहा है प्रभु जी, हे प्रभु आप उन सभी को आपका दया का हाथ रखिए प्रभु जी, और प्रभु उनको छुए और प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु चंगाई दीजिए प्रभु जी, और प्रभु शांति दीजिए प्रभु जी. और साथ में हम प्रार्थना करते हैं डॉक्टर से, नर्सेस से, जो हॉस्पिटल में बहुत सारे जो काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट्स वगैरह है प्रभु जी,
हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनको भी ताकत दे, उनका हाथों में बरकत दे, ताकि फिर जहाँ पर उन लोग ने हाथ लगाता है प्रभु, वहाँ पर आशीष का कारण बन सके। और प्रभु उनको आशीष दीजिए प्रभु जी, और प्रभु आपका अनुग्रह और उस छेदे हुए हाथों से सबको स्पर्श कीजिए। ये छोटे विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमेन। आमेन। अब जो आज की प्रार्थना और विनतियाँ हैं, और अंतिम प्रार्थना में रेवरेंड आशानंद जो कसौली क्राइस्टचर्च के प्रेसिडेंट इंचार्ज है, वो हमारी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज आपने हमें ये समय दिया कि खुदाबंद कि हम एक साथ जूम ऐप के द्वारा तेरे चरणों में आए और तेरा शुक्र करें प्रभु परमेश्वर तमाम बरकतों के लिए जो तूने हमारे जीवन में दी है। और प्रभु परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि सबको हमने प्रभु परमेश्वर ठीक ठाक पाया है और सब एक साथ प्रभु तेरी आराधना तेरी स्तुति कर पास कर रहे हैं। और प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर के खुदाबंद तेरे दास के लिए भी जिन्होंने प्रभु तेरे वचन में से आज हमें प्रभु परमेश्वर हिम्मत और प्रभु परमेश्वर सामर्थ्य दी है, साहस दिया है कि हम प्रभु इस पूरे वक्त में भी तेरे पास आ सकते हैं। और प्रभु परमेश्वर तू हमेशा हमारे लिए बाहें फैलाए हुए खड़ा है, और प्रभु परमेश्वर हमें चंगा करने के लिए, हमें नया जीवन देने के लिए प्रभु हमेशा तू हमारे लिए खड़ा है। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति और महिमा करते हैं प्रभु परमेश्वर। पिछले दिनों जो लोग बीमार थे, तेरा शुक्र करते हैं कि वो चंगे हुए हैं, ठीक हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने प्रभु परमेश्वर तेरी गवाही दी है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर और खुदावन परमेश्वर मिस्टर सैमुअल सनी के जीवन के लिए, जो प्रभु परमेश्वर उन्होंने तेरा प्यार और तेरी करुणा प्रभु उनके जीवन में इस कोरोना वायरस के दौरान प्रभु महसूस की है, लोगों का प्यार और प्रभु वो संगति, उसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। और प्रभु पुकारते हैं कि आगे भी आप उनके साथ हो और उनकी सहायता करें कि वो तुझ में और बढ़ते चले जाएं और प्रभु परमेश्वर तेरी महिमा और तेरी स्तुति करते जाएं। रेवरेंड हेमंत दिगल के लिए भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने चंगाई पाई, और तेरा शुक्र करते हैं आप उन्हें भी आशीष बरकत दे और उनकी सारी जरूरतों को पूरा करें, उनके परिवार को बरकत दे। हम खासतौर से प्रभु आज दुआ करते हैं खुदाबंद, पिछले दिनों भाई मनोज ने प्रभु अपने डैडी को खोया। खुदाबंद हमारा विश्वास है कि वो आपके पास सुरक्षित है, आप प्रभु भाई मनोज और उनके पूरे परिवार को शांति दे और खुदाबंद परमेश्वर उनकी सहायता करें कि वो प्रभु परमेश्वर तेरे चरणों में बने रहे और तेरी महिमा करे। इसके साथ साथ प्रभु हम दुआ करते हैं रेवरेंड रजनी की मम्मी के लिए कि जो बीमार हैं आप उन पर रहम करें, उन्हें छुए और उन्हें पूरी तरह से चंगाई दे, और खुदाबंद परमेश्वर हर तरह के रोगों से उन्हें नजात बख्शे, ताकि खुदाबंद वो तेरी गवाही दे सके और तेरी महिमा कर सके। तेरे हाथों में प्रभु हम पूरी डायसिस को, तमाम चर्चेस को प्रभु हर एक जन को सौंपते हैं, जितने लोग प्रभु परमेश्वर तेरी हजूरी में हैं, हर एक के जीवन में कार्य कर और प्रभु परमेश्वर हर एक को अपने पाक लहू से छू, ताकि सब लोग कोरोना वायरस से बचे रहें, सब लोग प्रभु शिफा पाएं, सेहत पाएं, और प्रभु परमेश्वर जो कमी घटी में है आप उनके भी साथ हो और प्रभु परमेश्वर उनकी सारी जरूरतों को पूरा करे। और खुदाबंद डायसिस ऑफ अमृतसर के लव इन एक्शन प्रोग्राम को भी प्रभु आप अपने हाथों में ले, ताकि खुदाबंद परमेश्वर उसके जरिए तेरे नाम को ऊंचा किया जा सके। और प्रभु बिशप साहब और प्रभु तमाम जो प्रभु टीम है आप उनको भी आशीष बरकत दे और खुदाबंद उनकी सहायता करें कि प्रभु वो सब भी इन्फेक्शन से बचे रहें, और प्रभु जो ये काम तेरी महिमा के लिए करते हैं आप उन्हें बरकत दे, ताकि हमेशा तेरी महिमा हो। खुदाबंद सब कुछ तेरे हवाले करते हुए धन्यवाद के साथ तेरे ही पवित्र बेटे हमारे मुक्तिदाता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना में शामिल होंगे और इसमें हमारी अगुवाई करेंगे वेद प्रकाश और उनके परिवार जो चंबा चर्च के सदस्य हैं, वो हमारी अगुवाई करेंगे। सबको जय मसीह की।
आइए हम प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना में जाएं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ कर कि हम भी अपने कसूर वालों को माफ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक आप ही का। आमीन। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे बुजुर्ग बिशप बिशप आनंद चंद्रलाल जी को बेनेडिक्शन के साथ इस प्रार्थना को तो। बिशप आनंद चंद्रलाल जी, खुदा का इतने नाम जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे, और खुदा बाप, बेटे और रूह कुछ की बरकत तुम सबों के साथ और हम सबों के साथ हमेशा बनी रहे। आमीन। अब वोट ऑफ थैंक्स के लिए रेवरेंट अजय सिंह, चेयरमैन धौलाधार रीजनल कॉन्फ्रेंस, वो वोट ऑफ थैंक्स आज की आराधना के लिए देंगे। धौलाधार और श्रीखंड की ओर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे आदरणीय बिशप साहब जी का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम आज की इस वर्शिप को लीड कर सकें। आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक Reverend Dr. Robert Calvin for the wonderful message which he has shared this afternoon. और साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ Reverend Sohan Lal जी का, जो श्रीखंड रीजन के चेयरमैन हैं, जिन्होंने आज की इस मीटिंग को लीड किया। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ तमाम सब उन भाई बहनों का जिन्होंने आज की इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया, और धौलाधार और श्रीखंड के मैं उन तमाम सारे प्रेस्बिटर्स, वर्कर्स और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने आज की इस वर्शिप को तैयार किया। और साथ ही साथ आप तमाम सब लोगों का जो हर संडे हमारी डायसिस के साथ जुड़ते हैं, हमें अच्छा लगता है आपको देखना। और बिशप साहब लगातार ये रिक्वेस्ट करते हैं, हमसे भी करते हैं कि हम इसमें जुड़ें और भी अधिक संख्या में जुड़ें। तो आप जितने भी लोग हर संडे जुड़ते हैं, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारी कम्युनिकेशन टीम का। हम जानते हैं कि एक बहुत बड़ी मेहनत उनके पीछे रहती है इस वर्शिप को, जो पर्दे के पीछे कार्य करते हैं, हम उनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नाउ ओवर टू बिशप साहब। थैंक यू भाई साहब एंड बोथ ऑफ यू फॉर रीजंस। मुझे लगता है कि आप का कोऑर्डिनेशन अच्छा रहा। सम पीपल आर आस्किंग मी कि ये तो धौलाधार है, वो श्रीखंड है, मैंने कहा ये हिमाचल है। सो यू नो, चलो फॉर फंक्शनिंग उसको हम दो एरिया में बांटा है, पर मैं आज देख पा रहा हूँ कि आप दो कॉन्फ्रेंस के जो लीडर्स हैं, यू आर एबल टू रियली कोऑपरेट विद ईच अदर, और बहुत अच्छा लगा। इट वाज वंडरफुल सर्विस। आज का दिन तो मेरे लिए पता नहीं, सुबह 6 बजे हम वहां थे, यू नो, फॉर द रूफटॉप सर्विस, और सब जब निराश हो रहे थे तब देखा कि खुदा हमें क्या दे दिया। आई मीन आई थिंक इट वाज द वन ऑफ द हैप्पीएस्ट डेज ऑफ माय लाइफ एंड मे बी द हैप्पीएस्ट डे ऑफ इन मेनी लाइफ्स टू सी दैट काइंड ऑफ वर्शिप। कि लोग जैसे आई मीन सबके दिल में जैसे कि खुदा के लिए आग है, यू नो, दैट दैट पैशन you would see, and that was so encouraging. Aur abhi Robert Conville unka prachar aur aap sabka, and I think everything was nice. Thank you so much. Now of course our iconic photograph, aur phir jo bhi abhi tak camera on nahi kiya hai, ye aapke liye golden opportunity hai. Okay, you can show your beautiful smiling faces
and communication department will click, and I will also click, and we'll see. Okay. Nine screens, but probably, let us try. Next week again, it is nice ki as family humko contribute kar paate hain, so like next week I want to see ki jo bhi karenge either in group or in family, usually hum individual contributors ko unless it is special discuss karte hain, it is open. और मैं चाहता हूँ बच्चों को तैयार कीजिए ताकि क्योंकि टाइम लगता है बच्चों को तैयार करना, सो दैट व्हेन नेक्स्ट मंथ यू नो लास्ट संडे विल बी द चिल्ड्रन संडे, तब तक हमारे बच्चे तैयार हो जाएंगे. ओके, वी वांट टू सी समथिंग वेरी एक्साइटिंग फ्रॉम आवर चिल्ड्रन. नाउ प्लीज स्विच ऑन, प्लीज ओपन द माइक्रोफोन्स. पंजाबी में बादशाह को खिल खिल.